आगामी 12 जुलाई से गोवर्धन में आयोजित होने वाले राजकीय गुरु पूर्णिमा मेला की तैयारियों को लेकर मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण तैयारियों में जुट गया है। आपको बता दें कि मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने मेला क्षेत्र में खराब पड़ी प्रकाश व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स की टीम लगा दी है। जहां भी लाइट खराब है उनको सही कराया जा रहा है, जिससे कि परिक्रमार्थियों को समुचित प्रकाश मिल सके। परिक्रमा मार्ग में लगभग 200 लाइट विकास प्राधिकरण द्वारा लगाई जा रही हैं, जिन्हें 3 जुलाई तक लगा दिया जाएगा। नाम है एलएक्स एडवर्टाइजिंग के बॉक्स लगाने। अच्छा, कौन से बॉक्स लगाए जा रहे हैं? ये एमबीडी के। एमबीडी कुल कितने बॉक्स लगाने हैं आपको? 200 पीस लगाने। कितने? 200 बॉक्स लगाने परिक्रमा मार्ग में। कितने लगा चुके हैं? 14 लगे हैं अभी। ये कब तक लग जाएंगे? अब 2-3 रोज में लग जाएंगे। आगामी 12 जुलाई से गोवर्धन में आयोजित होने वाले राजकीय गुरु पूर्णिमा मेला की तैयारियों को लेकर मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण तैयारियों में जुट गया है। आपको बता दें कि मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने मेला क्षेत्र में खराब पड़ी प्रकाश व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स की टीम लगा दी है। जहाँ भी लाइट खराब है उनको सही कराया जा रहा है, जिससे कि परिक्रमार्थियों को समुचित प्रकाश मिल सके। परिक्रमा मार्ग में लगभग 200 लाइट विकास प्राधिकरण द्वारा लगाई जा रही हैं, जिन्हें 3 जुलाई तक लगा दिया जाएगा। नाम है एलएक्स एडवर्टाइजिंग के बॉक्स लगाने। अच्छा, कौन से बॉक्स लगाए जा रहे हैं? ये एमबीडी के। एमबीडी कुल कितने बॉक्स लगाने हैं आपको? 200 पीस लगाने। कितने? 200 बॉक्स लगाने परिक्रमा मार्ग में। कितने लगा चुके हैं? 14 लगे हैं अभी। ये कब तक लग जाएंगे? अब 2-3 रोज में लग जाएंगे।